दोस्तों, मिस्र के पिरामिड के बारे में आप तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि मिस्र के पिरामिड से भी लंबी पिरामिड खोजा गया है। जी हाँ, मिस्र के पिरामिड की हाइट 420 फीट है, लेकिन उससे भी लंबी पिरामिड खोजा गया है। जी हाँ, इनमें मौजूद मिस्र से भी विशाल पिरामिड 8000 साल पुराने रहस्य को क्यों छुपा रही है चीन, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। चीन के सियान में विशाल पिरामिड को सालों से छिपा कर रखा गया है। इनमें से एक मिस्र के ग्रेट पिरामिड से भी ऊंचा है और बाकी छोटे छोटे पिरामिड उसके आसपास है। चीन के बारे में ज्यादा जानकारी दुनिया तक नहीं पहुंच पाती है, ऐसा ही कुछ यहाँ मौजूद पिरामिड के बारे में कहा जा रहा है। दरअसल चीन में बड़ी संख्या में इसे रहस्यमय पिरामिड है जिनके अंदर क्या है ये किसी को नहीं पता। खास बात ये है कि इन पिरामिड की रखवाली मिलिट्री खुद करती है। माना जा रहा है कि यहाँ चीन के इतिहास से जुड़े अहम राज हो सकती है जिन्हें चीन छिपा कर रखे है। सियान से 100 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच में पिरामिड के आकार में किले बने हैं जिन्हें लेकर सदियों से रहस्य बरकरार है। 1912 में जब अमेरिकी व्यापारी फ्रेड मेयर सेडर वहां पहुंचे, तब इसके बारे में जानकारी दुनिया को मिली। उन्होंने अपनी डायरी में 1000 फीट ऊंचा और उससे भी ज्यादा लंबा पिरामिड देखने की बात कही थी, जिसके पास छोटे छोटे पिरामिड भी थे। 30 साल बाद अमेरिकी एयरफोर्स के पायलट जेम्स कॉम्स ने इलाके के ऊपर से गुजरते हुए मिस्र के ग्रेट पिरामिड से भी ऊंचा पिरामिड देखा था। उनके मुताबिक उसके ऊपर क्रिस्टल जैसा कोई रत्न लगा था। 90 के दशक में जर्मन इन्वेस्टिगेटर हार्डविक हार्टसन ने इन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें पता चला कि चीन की मिलिट्री उसी इलाके में गहन पेट्रोलियम कर रही थी। बताया जा रहा है कि ये पिरामिड 8000 साल पुराने हैं और अब इन पर पेड़ और घास उग आ रहा है, इसलिए सिर्फ नजदीक से ही पहचाना जा सकता है, वरना ये पहाड़ी जैसे ही दिखते हैं। ये भी कहा जाता है कि इन पिरामिड में शाही लोग दफन है, जिसकी वजह से इन्हें इतना सुरक्षित रखा जाता है। पश्चिम के पुरातत्वविद को इसे देखने की इजाजत कम ही मिलती है और इन्हें जो फोटो मिलते हैं, दावा किया गया है कि इन पर जानबूझकर झाड़ियां लगाई गई है ताकि उन्हें छिपाया जा सके। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहां सांसों को और मूल्यवान चीजों को छिपा कर रखा गया है। इससे पहले 1974 में ऐसे ही चीन के पहले शासक विंग की सॉन्ग की टेराकोटा सेना जब खोजी गई थी, तब भी पूरी दुनिया ऐसे ही हैरान रह गए थे। भले ही वहाँ कुछ हद तक पर्यटकों का जाना इजाजत नहीं हो, झांग का मकबरा अभी भी अनसुलझा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।